हार्दिक पांड्या को लोग रोहित शर्मा की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और लोग डायरेक्ट हार्दिक पांड्या को छपरी बोल रहे हैं। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। देखिए, जब से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तब से रोहित शर्मा के फैंस उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। देखिए, संडे को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच जो IPL मैच खेला गया था उससे ये वाली क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को बार बार इधर से उधर फील्डिंग करने के लिए बोल रहे थे और ये चीज़ रोहित शर्मा के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो MI की पहचान है वो रोहित शर्मा की वजह से थी, जिसकी वजह से हार्दिक को ट्रोल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कैरीमिनाती और विराट कोहली के बारे में। पहले आप ये वायरल क्लिप देखिए। मुझे तो लगता है विराट भाई ने मीठा खाना इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। डाइट तो बस एक बहाना है। रोहित भाई को ही देख लो भाई, आदमी जब जीतता है ना तो उसे डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहा है ना विराट, क्यों देखते लोग IPL? मैं IPL सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से देखती हूं। विराट कोहली के चक्कर में पूरा टूर्नामेंट देखती है, फिर तो आखिरी हफ्ता बच जाता होगा क्योंकि जीतते तो। देखिए, जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई वैसे ही कैरीमिनाती को RCB फैंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिल रही थी और जिसके बाद ट्विटर यानी एक्स पर सेम ऑन कैरीमिनाती ट्रेंड करने लगा था। जिसके बाद कैरीमिनाती ने इस वीडियो पर रिप्लाई देते हुए एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा कि थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है लोगों को उन्हें ट्रोल करने से पहले पूरी स्क्रिप्ट देखनी चाहिए। कैरीमिनाती ने कहा कि वो विराट कोहली की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, वह तो सिर्फ वीडियो में RCB फैंस की पैरोडी बने थे। उन्होंने एक क्लिप भी शेयर की जिसमें वह विराट कोहली को फ्लाइंग किस देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लास्ट में लिखा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप ऑडियंस हो, मैं आपसे नहीं जीत सकता। वैसे आपने अभी तक RCB फैंस पैरोडी वीडियो देखी है फिर उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। देखिए, अक्षय कुमार की एक नई मूवी रिलीज होने वाली है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसके प्रमोशन में उन्होंने थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ को रोस्ट कर दिया। आपको सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं टाइगर से ये कहूंगा कि टाइगर हमेशा एक ही दिशा में रहा करो। एक ही दिशा में रहा करो।